आपके साथ आयुष भारद्वाज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां सीएम योगी आज दौरे के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल सीएम देवरिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, तो आज सीएम ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में सावन मास के चलते पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। आपको बता दें, जिसके बाद सीएम सिद्धार्थनगर पहुंचे और वहां नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। दरअसल सीएम के ताबड़तोड़ दौरों के पीछे विधानसभा चुनाव की भूमिका बनाने का भी लक्ष्य है। तो वहीं सीएम का यूं अचानक अयोध्या दौरा भी दो बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या सीएम का अयोध्या जाना बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा के कल के अयोध्या आगमन पर पलटवार है, या फिर अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आई खबर में जिसमें पता पड़ा है कि पार्टी आला कमान ने विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं को उतारने की रणनीति बनाई है। तो क्या उस रणनीति के तहत सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है? इसी खबर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ तमाम अपडेट है इस बारे में। आयुष, जैसे आपने कहा कि ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं जी, तो सीएम योगी पहले भी जाते रहे अयोध्या, उनका तो ये नियमित लगभग महीने में एक बार उनका दौरा हो जाना है जी। और अयोध्या वो सबसे पहले वो जैसे अभी बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे थे 23 को, और अब उसके बाद वो पहुंचे हैं हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हैं वहां पर, और वो वहां पर आज पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने दौरे से उन्होंने अपना जो कार्यक्रम वो शुरुआत की थी गोरखपुर में। उन्होंने सबसे पहले तो दिनेश शर्मा जो है डिप्टी सीएम है उनके साथ में जो वहाँ पे सैनिक स्कूल बन रहा है, बनने वाला है, उसका उन्होंने शिलान्यास किया है। 154 करोड़ की लागत से बन रहा है वो, बनेगा तो पहले तो गोरखपुर में उसका उन्होंने शिलान्यास किया है। उसके बाद वो गोरखपुर में बाकायदा उन्होंने अपना जनता दरबार लगाया है, हाथ भी लगाया, कल भी लगाया उन्होंने जनता दरबार, और फिर वहां से आज सिद्धार्थ नगर पहुंचे हैं। सिद्धार्थनगर में भी एक मेडिकल कॉलेज बना है, लगभग 300 बेड का है वो, तो वो महर्षि देवराहा बाबा के नाम से वो मेडिकल कॉलेज का देवरिया में वो हुआ है। और सिद्धार्थनगर में एक मेडिकल कॉलेज है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया, दशरथ मेडिकल कॉलेज करके है, तो उसका भी निरीक्षण हुआ है। तो अब वो क्योंकि 30 जुलाई को पीएम मोदी जी का दौरा था, लेकिन वो आगे भी शाम को ही कैंसिल हो गया दौरा, नहीं मिली है, तो दौरा कैंसिल हो गया है। कई विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं लगातार अपने जिलों में, खासतौर से अयोध्या पे सबसे पहली नजर है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है बिल्कुल वो अयोध्या केंद्रित होने वाला है, वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अयोध्या बिल्कुल केंद्रित होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए सारे लुभावने वाले सारे सम्मेलन सभी पार्टियां शुरू कर रही हैं, तो बिल्कुल ये सीएम योगी का ये दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम है और विकास कार्यों के रूप से तो अहम है ही। जी अनूप, मैं आपको रोक कर एक बात पूछना चाहूंगा कि जो आपने ब्राह्मण सम्मेलन का जिक्र किया, तो चूंकि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने दौरों की शुरुआत करी है और वो जल्द ही बलिया जाएंगे अपने दौरे पर, तो क्या कुछ समय में हम ये भी देखेंगे कि अखिलेश यादव भी अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने दौरे को लेकर या रैली करने के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, ये संभव है। अभी फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये संभव है क्योंकि हर किसी का एक एजेंडा जो ब्राह्मणों के साथ को साधने का चल रहा है, उसकी मंजिल अयोध्या ही होती है। जैसे सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे हैं और बीजेपी तो खैर अयोध्या को केंद्रित करके चली रही है। अब सपा का ऐलान हुआ है कि अपने 5 ब्राह्मण नेताओं के साथ वो परशुराम जी को आगे उनका चेहरा रखकर ये काम शुरू करने वाले हैं। 23 अगस्त से बलिया जो मंगल पांडे जी की धरती है वहां से ये अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। इनका अगला दौरा अयोध्या का भी है क्योंकि अयोध्या की सबसे मंजिल हो रहा है। अयोध्या का मंदिर पहले तो सबसे दूर भाग के थे, लेकिन अब चूंकि अयोध्या का मंदिर बीजेपी के सहयोग से बना है, तो अब उसके पीछे सभी लोग ब्राह्मणों को साधने के लिए अयोध्या को केंद्रित रख कर ही चल रहे हैं, और यही बीजेपी भी चाहती है कि अयोध्या को केंद्रित रख के चला जाए। जी।
अयोध्या को जो केंद्रित करते हुए राजनीति चल रही है उसमें कल सतीश मिश्रा के आगमन पर आज पलटवार करने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है? हाँ कह सकते हैं, लेकिन वैसे सीएम योगी का ये दौरा पहले से तय है। सीएम योगी का दौरा सतीश मिश्रा के जाने से पहले ये दौरा तय हो चुका था, लेकिन बिल्कुल ये वार पलटवार का मामला है कि सतीश चंद्र मिश्रा के जाने के बाद आज वो अयोध्या पहुंचे हैं। और चूंकि अयोध्या अभी अगस्त दिन में ही महामहिम राष्ट्रपति जी का भी दौरा है अयोध्या में, उसको लेकर भी वहां पे सारी चीजें देखी जा रही है। वहां पर दशरथ मेरे कॉलेज है अयोध्या में जिसका नाम दिया है, तो उसके लिए सारी तैयारियां वो कैसी है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में जो ऑक्सीजन प्लांट है, क्योंकि तीसरी लहर को देखते हुए भी सीएम योगी सारी तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। कुछ जी नए मेडिकल कॉलेज जितने भी बनने शुरू हो गए, चाहे देवरिया हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो या अयोध्या का हो, जी वहां पर ऑक्सीजन प्लांट की क्या तैयारी है आगामी जी अगर किसी संभावित तीसरी लहर को देखते हुए, उसका भी बाकायदा वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो जी वो विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन निशाना 2022 है अयोध्या में किसी न किसी जी तरह जी से योगी पहुंच जाते हैं या बीजेपी के कोई नेता पहुंच जाता है, तो निशाना सीधा 2022 जी विकास कार्य तो है ही, लेकिन निशाना 2022 है। जैसे कि जी वहां के पदाधिकारी ने कहा है कि 2023 में रामलला के दर्शन अयोध्या में भव्य मंदिर में ही होंगे, जी तो संभावित है ये 2024 से पहले पहले मंदिर बनाने का जो उनका प्लान है, जो उनकी योजना है वो जी पूरी हो, लेकिन उससे पहले 2022 को साधना है। तो 2022 अयोध्या में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जी ये सभी राजनीतिक पार्टियों ने तय कर दिया और बीजेपी ने पहले से तय कर जी दिया। जी अनूप अनूप, चूंकि बार बार योगी अयोध्या पहुंच जाते हैं, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि 22 के आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए इसके जो कयास लगाए जा सकते हैं, वैसे तो उनके गोरखपुर से लड़ने की संभावना हो रही है कि गोरखपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, जी लेकिन एक खबर ये भी अफवाहों का बाजार गर्म है कि हो सकता है योगी अयोध्या से भी चुनाव लड़ ले, तो अभी जी अच्छा फिलहाल क्योंकि नहीं है चूंकि इसलिए अभी। अयोध्या गढ़ है, तो क्या वहां से चुनाव लड़ने की संभावना बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अभी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है आयुष, जी बिल्कुल बन सकती है, ये तो पत्ते बाद में खुलेंगे, लेकिन फिलहाल गोरखपुर या अयोध्या इन दोनों में से एक जगह योगी को चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, अब अभी ये तय नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल संभावना है कि हो सकता है योगी अयोध्या से ही चुनाव लड़ती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।